अशोक लेलैंड कंपनी का जो सिग्नेचर लोगो है वो आप चेक कर सकते। साइड में बड़ा दोस्त की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। काफी अच्छा कंफर्टेबल केबिन इसका आपको देखने को मिल जाता है। ड्राइवर प्लस दो पैसेंजर के साथ में आप गाड़ी को चला सकते हैं। उसके बाद इस गाड़ी का मेन डैशबोर्ड है वो आप चेक कर सकते हैं। टायर साइज यहाँ पे दिया गया है वो आप चेक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रक जंक्शन। मेरा नाम है मोहित सिंह और आज की इस वीडियो में हमारे साथ में है अशोक लेलैंड कंपनी का बड़ा दोस्त i4 LS। i4 सीरीज के अंदर आने वाला LS वेरिएंट है। इस पिकअप में कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज यहाँ पे किया है। हाई साइड डेक के साथ में इसको कंपनी ने लॉन्च कर दिया, जो कि महिंद्रा बुलेरो पिकअप के अंदर भी आपने देखा होगा। अब इस पिकअप के अंदर आपको बाहर से जो है लोडिंग एरिया बनवाने की जरूरत नहीं है। साइड में आप इसमें चेक कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा लोडिंग एरिया इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और हाई साइड जो डेक है वो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी इसमें आपको जो शील्ड देखने को मिल जाती है। जो सीट इस्तेमाल करी गई है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी यहाँ पे इस्तेमाल करी गई है। बाहर से आपको बनवाने की जरूरत है, बॉडी को नहीं पड़ने वाली है। वहीं अगर डायमेंशंस की अगर बात करी जाए तो इसमें आपको 9.8 फीट की लंबाई मिल जाती है और जो चौड़ाई मिलती है वो 5 फीट 9 इंच के साइज में मिल जाती है। टोटल जो GW वेट दिया गया है वो आपको 3490 किलो के साथ में देखने को मिल जाता है और जो पेलोड कैपेसिटी है 1860 किलो की मिल जाती है। उसके बाद इस गाड़ी के फ्रंट लुक की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले विंडशील्ड आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज में यहाँ पे दी गई है। इससे बाहर की तरफ जो विजिबिलिटी है बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। मेन जो हेडलैम्प है वो आप चेक कर सकते हैं, हैलोजन बल्ब के साथ में ही देखने को मिल जाते हैं। उसका जो चैम्बर है काफ़ी बड़े साइज में आपको देखने को मिलता है। साइड में जो इंडिकेटर दिया गया है वो सिंपल आपको हैलोजन शेप के साथ में ही देखने को मिल जाता है। LED का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अशोक लेलैंड कंपनी का जो सिग्नेचर लोगो है वो आप चेक कर सकते हैं। और अशोक लेलैंड कंपनी की जो ब्रांडिंग है वो भी क्रोम फिनिश डिजाइन के साथ में यहाँ पे दी गई है। नीचे की तरफ जो बम्पर दिया गया है वो आप चेक कर सकते हैं, ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ में इसका बम्पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बाहर से अगर आपको फोग लैंप वगैरह लगवाने हैं तो आसानी से लगवा सकते हैं, उसके लिए अलग से स्पेस देखने को मिल जाता है। रिफ्लेक्टर अलग से यहाँ पे दिए गए हैं जो दोनों ही साइड बम्पर के आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो वाइपर के साइज है वो आप चेक कर सकते हैं, विंडशील्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो वाइपर के साइज है रखे गए हैं, वॉशर के साथ में आते हैं तो काफी आसानी तरीके से इसको जो क्लीन आप कर सकते हैं। साइड में बड़ा दोस्त की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है और इंडिकेटर भी नीचे की तरफ हैलोजन बल्ब के साथ में आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ में दूसरी साइड अगर आप चेक करेंगे तो i4 LS की ब्रांडिंग यहाँ पे क्रोम फिनिश डिजाइन के साथ में ही आपको देखने को मिल जाती है। और मेन जो डोर हैंडल है वो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रक की तरह ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आसानी से जो है ओपन करके इसे केबिन का एक्सेस आप कर सकते हैं, केबिन के अंदर आसानी से आप चढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल केबिन इसका आपको देखने को मिल जाता है। जो क्वालिटी इस्तेमाल करी गई है वो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम केबिन इस गाड़ी का आपको देखने को मिलता है। सिटिंग अरेंज की बात करी जाए, यानी सिटिंग कैपेसिटी की बात करी जाए, तो ड्राइवर प्लस दो पैसेंजर के साथ में आप गाड़ी को चला सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर फीचर जो है देखने को मिलता है। यानी दो केबिन के अंदर आप जो है अदर पैसेंजर को बिठाना चाह रहे हैं तो दो पैसेंजर यहाँ पे अलाउड जो है किए गए हैं। उसके बाद इस गाड़ी का मेन डैशबोर्ड है वो आप चेक कर सकते हैं, डार्क ग्रे कलर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और जो मेन गियर बॉक्स का लीवर है, जो गियर लीवर है वो डैशबोर्ड से कनेक्टेड ही आपको देखने को मिल जाता है। 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स की स्पीड के साथ में फुली सिंक्रोनस ट्रांजिशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आसानी से भागते हुए गाड़ी को आसानी से गियर आप चेंज कर पाएंगे, काफ़ी मक्खन तरीके से जो है गियर इसके बदल सकते हैं। उसके बाद इसका जो मीटर कंसोल है वो आप चेक कर सकते हैं, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी का आपको देखने को मिल जाता है। बीच में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो है स्पीडोमीटर दिया गया है, साइड बार पे मीटर आपको मिल जाता है। और नीचे की तरफ यहाँ पे चेक करेंगे तो कितना यहाँ पे AdBlue बचा हुआ है, छोटी सी MID स्क्रीन के अंदर आप आसानी से जो है चेक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साइड में डीजल कितना है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखने वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको देखने को मिलता है। और जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी आपको सिंपल ही देखने को मिलता है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं है। साइड में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ग्लो बॉक्स दिया गया है, इसमें अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे जो है आप डॉक्यूमेंट वगैरह रखना चाह रहे हो तो आसानी से जो है रख सकते हैं, उसके लिए काफ़ी बड़ा साइज यहाँ पे ग्लो बॉक्स का रखा गया है। और पीछे की तरफ यहाँ पे जो है विंडो आपको देखने को मिल जाती है, इसमें काफ़ी आसान तरीके से इसके विंडो का एक्सेस आप कर सकते हैं। दोनों ही साइड पैसेंजर और ड्राइवर की सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जो पैसेंजर साइड जो सीट दी गई है वो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे कुशन के साथ में देखने को मिल जाती है, काफ़ी प्रीमियम सीट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और जो ड्राइवर की सीट है वो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे कुशन के साथ में ही आपको देखने को मिल जाती है। आगे पीछे अगर रिक्लाइन आपको करनी है तो इस लीवर की मदद से आसानी से आप इसकी आगे सीट को आगे पीछे जो है रिक्लाइन आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो टायर साइज यहाँ पे दिया गया है वो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चौड़ाई के साथ में इसका जो टायर है आपको देखने को मिलेगा। जो टायर साइज है वो आप चेक कर सकते हैं, अपोलो कंपनी का 7.00R
15 LT इंच का टायर साइज में आपको देखने को मिल जाता है। जो व्हील का साइज है वो 15 इंच के साइज में आपको देखने को मिल जाता है और जो टायर की चौड़ाई है वो भी काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। साइड में जो मडगार्ड्स दिए गए हैं काफी हैवी ड्यूटी क्वालिटी के साथ में आपको देखने को मिल जाते हैं। फाइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, इसमें जंग लगने का खतरा नहीं रहने वाला है और लंबे समय तक इसमें किसी भी प्रकार की जो मेन जंग लगने से जो गलने की समस्या यहाँ पे नहीं होने वाली क्योंकि फाइबर का ही यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और इस गाड़ी के अंदर जो एयर क्लीनर है वो आप चेक कर सकते हैं, ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट के साथ में आने वाला एयर क्लीनर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों इस गाड़ी के फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करी जाए तो वो आप चेक कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो मेन फ्रंट सस्पेंशन है पैराबोलिक और सुपीरियर कंफर्ट के लिए पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग वाला ही सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो कि काफी हैवी ड्यूटी क्वालिटी के साथ में यहाँ पे जो है दिया गया है। उसके बाद रियर सस्पेंशन की अगर बात करी जाए तो वो आप चेक कर सकते हैं, सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग के साथ में सेम सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही साइड यानी फ्रंट और रियर में आपको शॉक अब्जॉर्बर भी दिए गए हैं जो कि कंफर्ट लेवल को केबिन के अंदर बढ़ा देते हैं। और लोडिंग एरिया में अगर आप जो गाड़ी के अंदर ज्यादा लोड लेके जा रहे हैं तो उसमें काफी अच्छा यहाँ पे जो है फीचर देखने को मिल जाता है। उसके बाद इस पिकअप के अगर इंजन कॉन्फ़िगरेशन की बात करी जाए तो इसमें आपको अशोक लेलैंड कंपनी का 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है जो कि फुली टर्बो चार्ज इंटरकूल इंजन यहां पे दिया गया है। इस गाड़ी के अंदर जो मेन पावर फिगर है 80 एचपी की मिल जाती है, जो टॉर्क दिया गया है 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो क्लच दी गई है वो आप चेक कर सकते हैं, 240 mm की सिंगल ड्राइव फॉर्म क्लच इसमें आपको देखने को मिल जाती है जो कि आसानी से जो है आप गियर को चेंज कर सकते हैं। उपयोग करने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल इसकी जो क्लच है देखने को मिलती है। रियर टेल लैंप की बात करी जाए तो आप चेक कर सकते हैं, अशोक लेलैंड कंपनी की ब्रांडिंग नीचे की तरफ दी गई है। रिफ्लेक्टर टेप भी मिल जाती है और इसमें आपको 3 पार्किंग सेंसर यहाँ पे दिए गए हैं जो कि पीछे की रिवर्स की सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जो रियर टेल लैंप है वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिलती है, उसमें एलईडी का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। पीछे की तरफ यहाँ पे स्पेयर टायर भी नीचे की तरफ दिया गया है जो कि आसानी से जो एक्सेस आप कर सकते हैं। उसके बाद जो डीजल टैंक है वो दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाता है मेटल बॉडी के साथ में, इसका जो डीजल टैंक है यहाँ पे दिया गया है। जो एडब्ल्यू टैंक है वो आप चेक कर सकते हैं, 20 लीटर की कैपेसिटी के साथ में एडब्ल्यू टैंक इसका नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है जो कि फाइबर टेक्नोलॉजी के साथ में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद इस गाड़ी के व्हील बेस की बात करी जाए तो इसमें आपको 2590 mm का व्हील बेस मिल जाता है, जो ओवरऑल लंबाई दी गई है 5025 mm की देखने को मिल जाती है। ये जो गाड़ी है काफ़ी अच्छी लंबाई के साथ में आती है और मेन जो फीचर दिया गया है वो आप चेक कर सकते हैं, HSD वेरिएंट के साथ में गाड़ी आने लगी है यानी हाई साइड डेक भी आपको मिल जाता है। बाहर से जो है आपको बॉडी बनवाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, काफ़ी हैवी ड्यूटी क्वालिटी के साथ में इसका जो मेन लोडिंग एरिया है वो यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से लोड वगैरह आप आसानी से ले जा सकते हैं, साइड में टो हुक भी दिए गए हैं, रस्सी वगैरह आपको बांधनी है तो आसानी से बांध सकते हैं और अशोक लेलैंड कंपनी का काफ़ी अच्छा यहाँ पे भरोसा मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको गाड़ी का प्राइस जानना है तो truckjunction.com वेबसाइट में सबसे पहले विजिट कर सकते हैं या फिर ट्रक जंक्शन का मेन एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर आपको हरियाणा के भिवानी जिले में इस गाड़ी को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डीलरशिप का एड्रेस है विजिटिंग कार्ड के अंदर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस एरिया के अंदर इस गाड़ी को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे इनसे संपर्क करके आसानी से इसको खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी सर्विस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो मेन फीचर जो बदलाव किया गया है वो HSD जो लोडिंग एरिया है उसको कम्प्लीटली बदल दिया है, एक नया ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे कंपनी ने दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी जानकारी भरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।